बेसन की बर्फी तो आपने हजारों बार बनाई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही दानेदार, एकदम मज़ेदार सी सूजी और बेसन की ये बर्फी, जिसको देखने के बाद आप एक बार ज़रूर बनाना चाहेंगे और खाने के बाद तो बार बार बनाएंगे। इतनी आसान है, देखिए ना, तो इसके लिए चाशनी बनाने की ज़रूरत है ना मावा की ज़रूरत है, और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप ज़रूर से एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार सी रेसिपी की। बेसन और सूजी की बर्फी को बनाने के लिए मैंने लिए है लगभग 1.5 कप के आसपास बेसन। तो यहाँ पर ये 1 कप बेसन अभी लिया है आपको दिखाने के लिए कि आपको बेसन कैसा यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर कोई से भी बेसन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मोटे वाले या फिर बारीक वाले। तो चलिए, अब हमें लेना है एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल, और इसके ऊपर डालनी है एक छन्नी, कोई से भी छन्नी यूज़ कर सकते हैं, आटा छानने वाले भी। और अब हम ये 1.5 कप बेसन को अच्छी तरीके से इसमें डालेंगे और बढ़िया से छानेंगे। छानेंगे इसलिए क्योंकि चने के टुकड़े वगैरह भी बेसन में रह जाते हैं या फिर छिलके भी रह जाते हैं, तो वो हमें बर्फ़ी में नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम छान लेंगे ताकि जो गुठलियाँ भी हैं ना वो एक सार हो जाएंगी और हमारे पास एकदम स्मूथ सा बेसन मिलेगा। तो ये 1/2 कप बेसन और ऐड कर रही हूँ मैं, और इसे हम पूरी तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, ये हमारा थोड़े से चने के छिलके इसमें निकल गए हैं ना, तो ऐसे ही हमें इसको हटा लेना है। और ये देखिए, एकदम स्मूथ सा हमें मिक्सचर हो गया है। अब इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर 1/4 कप के आसपास हमें डालना है सूजी, रवा भी ले सकते हैं। तो इस मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है कि 1.5 कप बेसन के साथ आपको 1/4 कप ही सूजी लेना है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दानेदार भी होगा और आपके बेसन का टेक्स्चर बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखिए। और अब इस बेसन की बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 टेबलस्पून देसी घी। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छी तरीके से चम्मच से नाप लिया है और कटोरी में रख लिया है, जो हम इसमें बर्फी को बनाते समय थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर एक बड़े से भारी तली का बर्तन रख लीजिए, कोई भी कढ़ाई या फिर पैन। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी, और बाकी घी को साइड रख देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। जैसे घी हमारा मेल्ट होने लगता है, हम इसमें डाल देंगे ये बेसन और सूजी का मिक्सचर, ये देखिए। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम एकदम कम रखिएगा, नहीं तो तली में ये लग जाएंगे। पूरे मिक्सचर को हमने डाल दिया है, अब इनको धीरे धीरे हमें मिलाना होगा। तो ध्यान रहे, फ्लेम को एकदम कम रखिएगा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। पहले जब इसको मिलाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगेगा घी बहुत कम है, तो वह घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर घी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको धीरे धीरे मिलाइए, अच्छी तरीके से मिल जाएगा ये। और जब आपको लगे कि बहुत ड्राई हो रहा है, तब इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो घी है वो अच्छी तरीके से बेसन में लग जाए और ये एक सार हो जाए। जो भी छोटी छोटी गुठलियाँ बन रही हैं ना, उनको इस तरीके से मसलते हुए आपको मिलाना होगा। तो देख सकते हैं, बेसन को मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है, और छोटी छोटी जो गुठलियाँ बन रही है ना, उनको इस तरीके से मसलते हुए हम चलाते जाएंगे। लेकिन ये मिक्सचर हमारा हल्का सा ड्राई हो गया है, तो हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। और अब इसको एकदम दानेदार टेक्सचर होने तक हम इनको भुनेंगे। तो एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि इसको जब भी भुने, गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, नहीं तो अगर आप इनको मीडियम या हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो इनका कलर एकदम डार्क हो जाएगा, फिर वो बेसन की बर्फी नहीं, आटे की बर्फी लगेगी। तो इनको इस तरीके से लगातार चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर पे, और तली में ना लगे इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। बस ये अच्छी तरीके से कुक हो जाने चाहिए, भून जाने चाहिए, कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, दांतों में लगती है बर्फ़ी खाने पर, चिपकती है या फिर मुँह में भी चिपकती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसन को अच्छी तरीके से पकाना होगा, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो लगभग 5 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको इसी तरीके से भूनते रहेंगे और अच्छी तरीके से पका लेंगे। इन सारे टिप्स का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी बेसन सूजी की बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इनको 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लिया है, लेकिन आपकी जो सूजी और बेसन है वो बहुत अच्छे से नहीं भुनेंगे। बहुत बार क्या होता है, इसी स्टेज पर आप इसमें चाशनी या फिर चीनी डाल देते हैं और ये अच्छी तरीके से बन तो जाती है लेकिन मुंह में चिपकती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस स्टेज पर आने के बाद भी हमें इसको पकाना होगा थोड़ी देर, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से भुन जाए। बिल्कुल भी कच्चा रहेगा तो वो दांतों में चिपकेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको और थोड़ी देर मिलाएंगे और इसको हम बढ़िया से पकाएंगे। तो लगभग हम इनको 3 से 4 मिनट और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनेंगे।
और 2-3 मिनट के बाद देख सकते हैं बेसन और सूजी से काफ़ी सारा घी रिलीज होने लगा है। ये मिक्सचर हमारा बाइंड होने जैसा हो गया है। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करेंगे और अब आप देखेंगे इसको मिलाने के बाद ये मिक्सचर हमारा धीरे धीरे लिक्विड जैसा होने लगा, क्योंकि बेसन काफ़ी सारा घी रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये भुन जाएगा ना, तो आपके पास एक ही साइन है कि ये मिक्सचर हमारा बहुत सारा घी रिलीज कर देता है। तो ध्यान रहे, धीमी आंच पर इसको मिलाएं और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना, पूरी तरीके से ये गीला हो जाएगा, बेसन काफ़ी सारा घी रिलीज कर देगा। और ये देखिए मिक्सचर हमारा कुछ इस तरीके से लिक्विड जैसा हो गया है। इस स्टेज पे आने के बाद आप इनको 1 मिनट और भुनेंगे धीमी आंच पर, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फूल जाए, तभी आपकी जो बेसन की बर्फ़ी बनेगी वो बहुत ही दानेदार बनेगी। तो इसको लगातार चलाते रहे 1 मिनट तक। मैं आपको दिखाऊंगी कि कब आपको पता चलेगा कि ये तैयार हो गया है। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं 1 मिनट भुनने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरीके से हो गया है और इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, मतलब आपकी जो सूजी और बेसन है वो बढ़िया से भुन चुके हैं और ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी होने लगा है। तो इस तरीके से आप इनको चलाते रहिए और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी आप थोड़ी देर चलाएंगे, क्योंकि पैन गर्म है तो हो सकता है कि नीचे से जल जाए। और मैंने थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम बंद किया है। अब इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर। तो यहाँ पर 2/3 कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है। मैं आपको इसका टेबल स्पून भी लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में और सारे चीज़ों का लिस्ट भी लिख दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं और कितनी मात्रा में डाली हैं। तो ये पूरा चीनी का पाउडर डाल देंगे। आप खांड या फिर बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर गैस का फ्लेम धीमा भी रख सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है और इनको पहले अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम गैस को ऑन करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे चीनी मिलती जाएगी ना, ये हल्का सा गीला होने लगेगा। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो हम इनको 2-3 मिनट और भुनेंगे, ताकि जो चीनी है वो एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में कुक हो जाए। ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा एकदम डो के फॉर्म में होने लगा है। तो इस टाइम पे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और 2-3 मिनट और भुनेंगे। थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। तो मैंने पिस्ता डाला है थोड़ा सा, आप इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। और इनको इसी तरीके से चलाते रहें। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से दानेदार करने के लिए और जो चीनी है वो एकदम चाशनी वाली स्टेज में आ जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच पानी लिया है और इसको हम छींटे मारेंगे इस तरीके से, ये देखिए, जिससे कि आपकी जो चीनी है उसको अच्छे से चाशनी बनने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से लगातार चला लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्सचर हमारा लगभग रेडी हो गया है और एकदम डो के फॉर्म में भी आ गया है, तली से चिपक भी नहीं रहा है। ये देखिए, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है इसने। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और चलिए इसको सेट होने के लिए रखते हैं। तो अब इस बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने ये बर्फ़ी वाली ट्रे का इस्तेमाल किया है। आप थाली में भी जमा सकते हैं, किसी भी प्लेट में भी जमा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा घी लगा करके भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। मैं इनके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ, जिससे कि आसानी से निकल जाएंगे। और अब इस बटर पेपर के ऊपर थोड़े से चॉप्ड मैं काजू, पिस्ता और आलमंड्स ले रही हूँ, बहुत ही बारीक बारीक से काटे हुए। आप कोई भी एक ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इनको जमा सकते हैं और बाद में बर्फ़ी को अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार सजा सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। देखिए, पूरा गर्म गर्म ही हम इसमें डालना है, थोड़ा भी हम इनको ठंडा नहीं होने देंगे। और अच्छी तरीके से अब इनको फैला लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं। मैं इस बर्फ़ी को थोड़ी सी पतली रख रही हूँ, बहुत थिक नहीं रखूँगी। और अब इनको अच्छी तरीके से एकदम बराबर कर लेंगे ऊपर की साइड से। ये देखिए, कि तो किसी भी स्पैचुला से या फिर कटोरी के बेस से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा पूरी तरीके से एकदम बराबर हो गया है। अब इनको हम थोड़ी देर रेस्ट करने रख देंगे। तो चाहें तो प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दें, या फिर आप गर्मी का दिन है तो अभी इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, आसानी से जम जाएगा और जल्दी ही। 1 घंटे के बाद देखिए, ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है और काफ़ी हार्ड भी हो गया। ये देखिए, अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो ये दब नहीं रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। चलिए, अब इसके ऊपर थोड़े से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, फिर हम इनको निकालेंगे। तो ये आपके अपने हिसाब से पतले, बारीक, मोटे, जैसे आपको अच्छा लगे आप इनको काट सकते हैं। और अब इनको निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाते हैं, तो कोई भी घी या तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब इनको प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से या फिर किसी भी बोर्ड या ट्रे में उलट लीजिए। और ये देखिए, वाओ, एकदम मज़ेदार सी हमारी ये दानेदार ये बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब हम इनको कट करेंगे।
तो मैं थोड़े से लंबे लंबे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ, ये देखिए। और लीजिए एकदम दानेदार हमारा ये बर्फी बनकर तैयार है, एकदम परफेक्ट तरीके से। एकदम इसको खाने पे मुंह में नहीं चिपकेंगे, और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। ना तो आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत है, बस आपको ध्यान रखने हैं कुछ बातों का जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, जिससे कि आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रखकर 7-8 दिन तक इसे खा सकते हैं बिना फ्रिज के, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी और ऐसी ही टेस्ट के साथ। तो ज़रूर से बनाइए, कैसी लगी रेसिपी हमें ज़रूर से लिख के बताइए। मिठाइयों की और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है ढेर सारे रेसिपीज़ के। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए इंजॉय कीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।